ऐसो कर संन्यास बन से सदन सबै कर समझो मन ही माहे उदासा। संन्यास किस तरह मन बिच उदास, इंज कह लो उदासी ही संन्यासी है। जिथे उदासीनता नहीं उथे संन्यास नहीं है, तो संन्यासी होए बिना प्रभु की प्राप्ति कित्थे। इतनी गल कलगीधर ने तस्लीम कर ली संन्यास। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दीयां पंक्तियां नूं आधार बना के मैं विचार थोड़े सामने रख रहा। इन्हूं मैं इंज बयान करदा हुंना, जो इस जीवन तो उदास नहीं वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा, जो इस संसार तो उदास नहीं वो निरंकार की तलाश नहीं करेगा, जो परिवार तो उदास नहीं वो करतार की तलाश नहीं करेगा, जो पदार्थ तो उदास नहीं वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। उदास ने ही तलाश कीता है और उत्थे ही संन्यास फलित होया, घटित होया। हुण प्रश्न यह पैदा होंदा, उदास कौन हो जाता है जो निराश हो जाता है? किस तो, संसार तो, परिवार तो, पदार्थों तो, धन संपदा तो निराश हो जाता है? गहरी निराशा उसनू पकड़ लेंदी है और वही निराशा उसनू उदास बना देंदी है। एक बकायदा मार्ग है तरतीब वार। एक ते धर्म दी कर्म कांड दी दुनिया है ना, उत्थे संन्यास फलत नहीं होंदा। इस्लामी शरा है, हिंदू धर्म का कर्म कांड है, सिख जगत के भी अपने कर्म कांड है। कई दफा मैं घूम फिर के संगतां दे प्रश्न देखे ने, हैरान होया। सब बार बार दे प्रश्न करते हैं, बार दियां ही गल्लां, कोई सुरत शब्द की गल नहीं, कोई अंतरीव गल नहीं, कोई अंदरी अनुभव की गल नहीं। इहदा मतलब अभ्यास एक भी नहीं करता, इस मार्ग दे पांदी नहीं ने। प्रश्न ही सारे बार देने, सवाल ही सारे बार ते खड़े ने, या इंज कह लो सवालों तो ही पता चल जांदा है मनुख कित्थे खड़ा है। सवाल दस देंदे ने, इहदी समस्या समाजक है। सवाल दस देंदे ने, इहदी समस्या आर्थिक है। सवाल ही दस देंदे ने, इहदी समस्या शरीरक है, कोई रोग है। सवाल ही दस देंदे ने, इहदी समस्या राजनीतिक है। धार्मिक समस्या तो यही हो सकती है, सुरत शब्द विच क्यों नहीं जुड़ती, और कोई समस्या नहीं। पर यह समस्या किसी की है ही नहीं, यह भी मैं अर्ज करते हैं। समस्या है आर्थिक, समस्या है परिवारिक, समस्या है राजनैतिक, समस्या है शरीरक, समस्या है मानसिक। समस्या मनुख की धार्मिक नहीं है, नहीं तो उसके तड़पे हुए हिरदे चो पहला प्रश्न ही यही निकलेगा, सुरत क्यों नहीं जुड़ती, उस प्रभु की झलक क्यों नहीं मिलती, उसका पता क्यों नहीं चलता। तो कलगीधर पिता कहने ने उदास नहीं है, इस वास्ते इत्थे संन्यास घटित नहीं होया। जिथे संन्यास है उत्थे परमात्मा है, उत्थे ईश्वर है, उत्थे अकाल पुरख है। सन्यासी तो मुराद कोई पहरावा ना ले लेना, कोई लिबास ना ले लेना। जैसे भाई गुरदास कहिंदे ने, भगत वड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। उदास है तदी उत्थे संन्यास फलत है।
बैठा सोने दे सिंघासन ते उदास है, बैठा परिवार दे च उदास है, जबान चो बोल निकलदा हजारा मनण नु तैयार ने, हुक्म चलदा है उदास है, धन संपदा नाल खजाने भरे पए ने उदास है, सब कुछ होंदया होया उदास हो जाना बड़ी अकलमंदी है, कुछ भी नहीं है उदास हो गया, ये उदासी मजबूरी है, खान नु रोटी नहीं, पहनण नु कपड़ा नहीं, खर्चे लई धन नहीं, रहण लई मकान नहीं, परिवारिक समस्या है, उदास हो गया स्वाभाविक है, निराश जो होया पे उदास हो गया, कुछ भी नहीं है। पर कमाल दी गल सोने दा सिंघासन है, कंचन दे महल ने, परे पैने खजाने, दुनिया सजदे कर दिए, नमस्कार कर दिए, जस है लेकिन उदास है। इस वास्ते भाई गुरदास जी नू कहना पिया, सारे भगतां दे चों ए वड्डा भगतता है, इन्नी वड्डी कसौटी, कुछ भी नहीं कोल, उदास हो गया है, लेकिन सब कुछ कोल है, उदास हो गया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं जो उसके कोल नहीं है, उदास हो गया है। उदास होने लई बहुत वड्डी सियाणप चाहीदी है। मैं धन गुरु नानक देव जी महाराज के कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जब सुमेर पर्वत ते पातशाह गए ने ते जोगियां ने गुरु नानक नू उदासी कह के बुलाया है, पंक्तियां थोड़े सामने रखा। किस कारण ग्रह तजेओ उदासी, किस कारण एव बेख निवासी। ये उदासियां वाला बाणा, कारोबार क्यों छोड़े आई, उदास क्यों हो गए, उदास होके क्यों विचर रहे हैं। योगियों के सामने गुरु नानक उदासी है, तो योगियों की गल छड़ो, पातशाह आप कहते हैं, भावे पंक्ति भी गुरु नानक की है जो मैं थानू सरवण कराई है, सिद्ध गोष्ट। रामकली राग का एक दूसरा शब्द, जित दर वसे कवन दर कहिए, दरा भीतर दर कमन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। उदास होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा, कोई ते दसे वो घर किथे, वो दर किथे। अपने घर तो जो उदास होया है, कोई परमात्मा दा घर लभेगा। अपने दर तो जो उदास होया है, वही परमात्मा दे दर दी तलाश करेगा। सतगुरु दरअसल ये कहना चाहते हैं। गुरु नानक दे पहले वड्डे साहिबजादे बाबा श्री चंद ये जन्म तो ही उदास सन। थोड़ी जिया सुरत संभाली चार पांच वरिया दे होए, कई दफा अचानक घरों गायब हो जाते सन, माता जी लभदियां सन। सड़ी जगत माता सुलखणी जी लभदी सी पड़ोसियां दे घर, शायद इधर किधरे बच्चियां नाल होवे, शायद उधर किधरे खेड़दा पे होवे, गली गली लभदियां सन। ते पता लभदा किथे सी, पिंड तो बाहर किसे रुख तले बैठा उदास, जन्म तो बचपन तो डांटदी भी सी मां, ऐ थां बैठन दी है, तेरी उम्र है छोटा जिहा, तू बच्चा है ते कुछ भी खतरा हो सकता है, पिंड तो बाहर आ जाना है, रुखां तले बैठ जाना है। पर उदास उम्र दे वधदियां उदासी वधदी गई, वधदी गई। सुंदर कपड़े मां सिवांदी है, नहीं पहनते। सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन माता तैयार कर दिए, नहीं खांदे। रहन सहन सादा, वड्डे होंदिया ते बिल्कुल रुखां तले जीवन बतीत करना आरंभ कीता।
और आप दे नाल लकब जुड़ गया बाबा श्री चंद उदासी। बाबा श्री चंद उदासी। निराश ते उदास मनुख जितने भी सन वो बाबा श्री चंद दे आले दुआले कट्ठे हो गए। इस तरह एक पंथ बनया सिख धर्म दे। गुरु नानक पंथ दे ए पहले मिशनरी ने जिन्होंने अफगानिस्तान तक सिखी फैलाई, तिब्बत तक फैलाई। रामेश्वरम विच गुरुद्वारा इन्होंने बनाया, जगन्नाथपुरी विच गुरुद्वारा इन्हां दा ही चलदा, अज भी चलदा है। 68 तीर्थां दे उत्ते गुरु नानक दे नाम दा झंडा इन्हां ने झुलाया। नेपाल विच भी डेरे जिहड़े ने उदासियां दे ने गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करके बैठे ने अज भी नेपाल विच। जो चोटी दा मंदिर है उत्थे नेपाल विच सनातन मत दा यात्रा लई हिंदुस्तान तो बड़ी दुनिया उत्थे जांदी है। पशुपतिनाथ शिवजी दा मंदिर उहदे कोल ही गुरु नानक देव जी दा मठ है। उदासी चला रहे ने। इह मैं एक सीधा निक्का जिहा उदाहरण दिता है। मिशनरी सन और जिस कौम विच मिशनरी ना होन कौम दा विकास रुक जांदा है। इन्हां 40 सालां विच ईसाई मिशनरीज जिहड़े ने इन्होंने हिंदुस्तान विच 1 करोड़ नवे ईसाई सजाए ने। आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालिया, मिजोरम, मणिपुर, केरला, करनाटका इन्हां सूबियां च 1 करोड़ नवे सजाए ने। कुछ सूबे ते पूरे दे पूरे इन्होंने क्रिश्चन बना दिते ने, जैसे नागालैंड, त्रिपुरा सारे क्रिश्चन हो गए ने। ये भुखे कोल अन्न लेके चले गए, नंगे कोल कपड़े लेके चले गए, बीमार कोल दवाई लेके चले गए, अनपढ़ दे कोल सकूल लेके चले गए, यतीम दे हंजू पूंजन लग पे, बेवा दा सहारा बन गए, लोकी क्रिश्चन बन दे गए। जिस दे कोल कोई बैठ के राजी नहीं बीमार दे उदी सेवा करन लग पे, उदे मुंह च आप बुरकियां दे के उनु पानी पिला के उनु दवाई खिला के सुरजीत कीता। इन्हां 7 स्टेटां ते फिर केरला, कर्नाटका ते थोड़ा जिहा तमिल दे च। ये पिछले दिन दे आंकड़े ने कि 1 करोड़ ईसाई इन्हां ने इन्हां 40-45 सालां दे विच सजाए। 500 साल दा साडा इतिहास है। जितना ज्ञान साडे कोल है किसे कोल भी नहीं। जितनी गुरुआं दी ते गुरु दे सिखां दी जितनी सेवा है अज तक किसे ने भी इतनी नहीं कीती। जितने शहीद साडे कोल ने किधरे भी नहीं। जितना ईश्वरी परबल सिद्धांत साडे कोल है किसे कोल भी नहीं। पर आख्या जांदा है ते कुल टोटल 1.5 करोड़ ने, कुछ भी नहीं ने हिंदुस्तान विच। इंज कहिंदे ने। एक गल तो स्पष्ट हो गई कि मिशनरीज नहीं ने, मिशनरी स्पिरिट खत्म हो गई। बाबा श्री चंद दे नाल उन्हां मिशनरियां नूं कार भेट गुरुद्वारे तो गुरु घर तो मिलती सी। गुरु अंगद देव जी देंदे रहे, गुरु अमरदास जी देंदे रहे, गुरु रामदास जी देंदे रहे, गुरु अर्जन देव जी देंदे रहे। सारे मठां दा खर्चा गुरु घर तो चलदा सी। इस तरह सिखी सारी दुनिया च फैल रही सी। कार भेट कदी कदी बाबा श्री चंद आप भी लैण वास्ते आउंदे सन, घोड़े ते असवार होके। जिन्हां ने कदी इतिहास पढ़िया उन्हां नूं पता होवेगा गुरु रामदास जी पास कार भेट लैण वास्ते आए। डेरियां दा खर्चा, मिशनरियां दा खर्चा, 4 थैलियां धन गुरु रामदास जी महाराज ने कदमां ते रखियां ने। दाड़ा बड़ा लंबा सी गुरु रामदास जी महाराज दा, वो खड़े भी आन ते दाड़ा जमीन नूं छूंदा सी। कई दफा बैठन लग्या दाड़े नूं मोंडे ते रखना पैंदा सी किधरे पैरां दे च ना आवे। बड़ा लंबा दाड़ा सी। सिर दे केस धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बहुत लंबे सन,
आप जिस दिन केसी स्नान करते सन ते खड़े भी होन केस जमीन नू छूंदे सन। और इस दे हवाले नंद लाल ने दिते ने इस वक्त उसनू मैं ना छेड़ा। लंबा दाड़ा बाबा श्री चंद ने देखे, बाबा श्री चंद का दाड़ा अजे नहीं आया सी। सिर दियां जटावां बहुत लंबियां बहुत लंबियां, दाड़े दे केस मासी फुटी सी, पर सीस दियां जटावां जटावां सन केस नहीं सन। बाबा श्री चंद जटावां केस जो गुंद के एक तरीके दे नाल बोर्ड दे दूध नाल बनाईयां जांदियां जटावां सन। और कवि संतोख सिंह ते कहिंदे जन्म तो ही जटावां सन, जब जन्म होया तो सीस ते जटावां सन। खैर मुख्तसर अर्ज करिए, सुभावक उन्हां दी रसना तो निकलिया, कदी कदी महापुरुष मजाक भी कर लेंदे ने हासा। ऐ गुरु रामदास इन्ना लंबा दाड़ा, जिथे तक मेरा अंदाजा है इस तरह नहीं आख्या क्यों इन्नी दाड़ी क्यों वधाई है, इंज नहीं आख्या, इंज आख्या इन्ना लंबा दाड़ा कि धन गुरु रामदास जी उस दाड़े नाल बाबा श्री चंद दे चरण झाड़न लग पे। आखन लगे महापुरशो थोड़े चरण झाड़न लई हाथ जोड़ के। बाबा श्री चंद पानी पानी हो गए, कहने लगे यही निर्माणता गुरु नानक की गद्दी लै गई है, तुसी लै गए, यही विनम्रता यही सहन शक्ति। उबलिया होया मनुख होर कुछ होवे ते होवे, कम से कम सिख ते नहीं है। क्रोध नाल उबले होया उन्हें सिख नहीं कह सकते, क्रोध नूं ते चंडाल आख्या गया, अगन क्रोध चंडाल। ते चंडाल नूं जिसने हिरदे च रखे किस तरह सिख कह सकते हैं उसको। विनम्रता दी मूर्ति तो मर्ज करा, पुराने जमाने च ए सारा गुरु नानक पंथ दा प्रचार इन्हां उदासियां ने कीता, बाद विच निर्मलिया ने, ते निर्मले बनाए गुरु गोबिंद सिंह जी ने। उदासी चले बाबा श्री चंद तो कि जिस दे घर लंगर भी छकदे सन इन्ना कहने दे सन एक बच्चा गुरु नानक दी गोद पा। तो इस तरह एक बच्चा घर दे च केसाधारी सिख हुंदा सी, बाकी नहीं आउंदे सन। अजे भी सैकड़े घरानियां च ए परंपरा है, अज भी सरगोधा गुजरात जेलम मियां वाली मुल्तान फिर इधर हरिपुर हजारा और मर्दान कोहाट बन्नू डेरा इस्माइल खान पिशावर इन्हां सारे जिलों च यही मर्यादा सी। रावलपिंडी भी विचे आंदा है, चकवाल का इलाका भी विचे आंदा है, एक बच्चा सिंह सजाओ। ये उदासी करते सन। इस तरह सहजे सहजे सिखी वध रही सी वध रही सी वध रही सी। बदकिस्मती दो तीन उदासी किधरे गौरमेंट दे अड्डे चढ़ गए, उस वक्त दी गौरमेंट अंग्रेजां दे, जैसे बाबा पृथ्वी चंद मुगलां दे अड्डे चढ़ गया जहांगीर दे, जैसे बाबा राम राय औरंगजेब दे अड्डे चढ़ गया मुगलां दे अड्डे चढ़ गया और गुरु घर दे विरोधी हो गए। ये उस वक्त दी हकूमत उस वक्त दे सत्ताधारियां ने अपने हाथ च लिया, बाबा पृथ्वी चंद नूं बाबे राम राय नूं तीरमल नूं। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे मुकाबले ते गुरगद्दी खड़ी कर दित्ती जहांगीर ने पृथ्वी चंद नूं वरत के। शाहजहां ने और अगां चल के औरंगजेब ने राम राय नूं उकसा के गुरु घर दे मुकाबले दे गुरु खड़ा कर दिता। गुरु तेग बहादुर साहब तक पहुंचदिया पहुंचदे ते एक नहीं बाई गुरु बन गए, बाई दावेदार असी गुरु असी गुरु असी गुरु। और पिछे की सी राजसी ताकत, अंग्रेज गए
फिर अजोकिया ने कोई पिछे थोड़ी हटना, राजनीति तो हो ही होंगी अपनी चाल से चलती है। फिर बाबा राम सिंह आख्या गया गुरु राम सिंह, बाबा थोड़ी, इस तरह ग्यारहवां बारहवां तेरहवां गुरु चल पाया। फिर राधा स्वामी खड़े किए गए, फिर निरंकारी खड़े किए गए गुरु घर न कमजोर करने ले। नवी खेड नहीं है, ये पुराने समय तो चली आ रही है, पीछे तो चली आ रही। ननकाना साहब के महंत नारायण दास को वक्त की हुकूमत ने काबू किया और इतना उकसाया, इतना काबू किया, सिखां दा ते इस उदासी संत दा संघर्ष होया बड़ा भयंकर। ननकाने साहब दा साका वरदया। ये ठीक है, इस देश वक्त दी हकूमत ते महंत नारायण दास दी हार हुई, चाबियां खालसे नू मिलियां ननकाने साहब दियां। उस वक्त दे राजनीतिक महात्मा गांधी ने भी कह दिता कि देश की आजादी की पहली लड़ाई सिखां ने जित ली, मैं मुबारक देना। लेकिन बाबा अतर सिंह की रसना तो सुभाविक निकलिया, मिशनरी प्रचारक गुरु घर तो टुट गए। भविष्य तारीख दिखाई देता है, ये आ निकली। बां ते जख्म होवे, जख्म दा इलाज चाहिदा सी, बां कटनी नहीं चाहिदी सी। उदासी सारे कट गए क्योंकि उन्होंने कोल सिर्फ असी ननकाना साहब ही ना खोया, फिर बाकी डेरे भी खोले जो उन्होंने अपने डेरे सन, निर्मलिया भी खोले। इस तरह असी खोंदे ही गए और टुटते गए, टुट गए और प्रचार खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। जिन्हां जिन्हां ते जिम्मेवारी आई कि तुसीं प्रचार करना है, उन्होंने अपने बच्चे पतत हो गए, बागी हो गए। दो निजाम बन गए, भी गुरुद्वारियां दा प्रबंधक करन, प्रचार प्रचारक करन। पर बदकिस्मती इस नूं भी किसी हद तक देखा जाए चल नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हर गुरुद्वारे का फर्ज है आले दुआले की फिजा दसे कि गुरु नानक की बाणी की कहती है। घर मिशनरी पहुंचने इतने भी थोड़े ईसाई, मैं उस दिन न्यूजीलैंड से, मैं हैरान हो गया, गुरुद्वारे च मेरे को कमरा से तो मैं ठहरदा गुरुद्वारे च, कुछ बचपन तो नहीं तीस तरह की मैं बनाई है, जिथे जाना गुरुद्वारे ही ठहरदा। चार मिशनरी उत्थे आ गए तो किधर उन्होंने पता चले आना है कोई सिख मिशनरी आया है, तो यह भी उन्होंने पता चले है कि उसकी इंग्लिश आई नहीं है, पंजाबी दी किताबां ले आए, बाइबल मेरे को पंजाबी दी रख दिती, पांच सात किताबां होर पंजाबी दियां। और गजब दी गल, एक पंजाबी बोलण वाली कुड़ी भी नाल लिया है, भी तू पंजाबी च बोली है। और वो बाइबल दे च कुछ कुछ टूकां जो नोट करके पहले ही तो लिया है सुना लगे। मैं हद हो गई कि ना प्रचार है, भावे एक घंटा गुफ्तगू हुई और उठते बने। मैं तो उन्होंने कहा, मैं अपने लिटरेचर भी चुक के ले जाओ, ये सब मैं देखे होया है, ये सब मैं बाचे होया, लेकिन फिर भी वो छोड़ गए। लेकिन मैं काफी देर तक सोचता रहा, ये मस्जिद दे च भी पहुंचते हैं, ये मंदिरों में भी पहुंचते हैं, ये गुरुद्वारों में भी पहुंचते हैं, ये सिखों के घरों में भी पहुंचते हैं, ये मुसलमानों के घरों में भी पहुंचते हैं, ये हिंदुओं के घरों में भी पहुंचते हैं। सिख गुरु नानक की बाणी सिखों तक नहीं पहुंचा सकिया, वो सारी दुनिया के घरों में पहुंचते पे हैं। और आप सुन के हैरान होगे, दंग रह जाओगे। बंबई में एक बाजार है जिथे असमत फिरोश औरतां बैठती हैं, उन्हें औरतां दा बाजार कहते हैं, वेसवावां दी मंडी।
ਇਹ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਨਕਾ ਵਾੜੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤਾ। ਕਿਧਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਵਿਚਾਰਾ ਗੱਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਰਮਜ਼ੀ, ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਭਜਨੀਕ, ਸਾਧੂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਗਹਿਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆਖੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਝਗੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦਕਿ ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਥੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਥ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸਨ, ਸੰਤਾਨ ਕਿਤਨੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਤਨੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਖਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੌਮ, ਕਦੀ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇਤਨੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਚਾਰ ਕਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਾਬਲੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜਾਏ, ਔਰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਕਾਬਲ ਦੇ 'ਚ, ਕੰਧਾਰ ਦੇ 'ਚ, ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ 'ਚ, ਹਰਾਤ ਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ 'ਚ। ਦਾਸ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ 68 ਤੀਰਥ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ,
सब जगह इन्हां ने भ्रमण किया। हुण ते जयपुर के कुछ मंदिरां विच गुरु ग्रंथ साहब दीआं बीड़ां लभीआं, नारायणे दे लैंदीआं गईआं ने। उदासी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके हिंदू समाज आ सके उत्थों दा लोकल कुछ मूर्तियां भी रख लैंदे सन। ये उन्हां दी इक नीति सी। जैसे अज ईसाई मिशनिस पता की कर रहे हैं, यह बाइबल विच कुछ गीता दे अंक जोड़ी जाते हैं, यह भी थोड़ा दसते हैं, ज्ञान गीता दा जोड़ी जाते हैं ईसा नाल, अपने इतिहास नाल जोड़ी जाते हैं। जबकि इन्हां दी सवाए कहानियां तो होर कुछ भी नहीं है। कुछ कहानियां तो ऐसिया अश्लील ने कि सवा विच आदमी ना पढ़ सकता ना सुना सकता है, यह भी मैरज करते हैं। और बहुत कुछ तो ऐसा लिखित है जो ना ज्ञान से पूरा उतरता ना विज्ञान से पूरा उतरता है। जैसे जमीन चपटी है, बाइबल ऐसा कहती है तो गोल है, बच्चा बच्चा आज पढ़ रहा है। जमीन साकन है, रुकी हुई है, बाइबल ये कहती है जो बच्चा बच्चा पढ़ रहे तो घूम रही है। जमीन नू बनिया 4000 साल होए ने, बाइबल ऐसा कहती है तो चलो 2000 साल ईसा नू हो गुजरे, 6000 साल होए ने जमीन नू बनिया, अरबां खरबां सालां दे सबूत मौजूद ने, लखां सालां दियां पुरानियां किधरे हड्डियां मिलियां साइंटिस्ट लोगों नू, बड़े बड़े जानवरां दियां। किस तरह मन लईए कि सिर्फ इनू 4000 साल होए ने बनिया। ज्ञान विज्ञान समय की धारा ते जो ग्रंथ पूरा नहीं उतरदा, उहदे च दूसरी थां तो गल्लां चुरा के और उन्हें प्रचार का अंग बना के बाइबल घर घर विच पहुंचाई जा रही है, पर शुद्ध ज्ञान मौजूद साडे कोल असी अपने घरां च भी नहीं पहुंचा सके, असी अपने घरां च भी नहीं बन सके। इसनू सोचना पएगा, विचारना पएगा। गुरु नानक अपना नारा मक्के विच भी लांदे ने, इत्थों सोचनी चाहीदी है, विचार चाहीदे ने। असी ये प्रचार हर थां ते करना है, हर जगह ते करना है, बाजार विच करना है। ईसाई मिशनरी ते हिम्मत कर बैठे ने, वह तो वेसवावां दे बाजार विच भी चले गए। तो भाई गुरदास जी ने कहानी भी लिख दित्ती है, बड़ी गजब दी। मीह पै रहा है, तूफान चल रहा है, तो विचारे इस साधु ने किधरे पनाह ले ली, एक द्वार ते दस्तक दित्ती, मीह तो बचण लई, तूफान तो बचण लई बूआ खोल दिता है। पर जिसने बूआ खोलिया वेसवा है, अज तूफान है, बारिश जोर दी आ रही है, अज इस दे कोठे दे च रौनक नहीं है, कल्ली बैठी सी, खुश हो गई, चलो किसी ने बूआ खटखटाया है, द्वार ते दस्तक दित्ती है। भाई गुरदास जी कहिंदे महापुरख अचानचक अचनचेत, उन्हें पता नहीं सी विचारे नूं, अचनचेत द्वार ते दस्तक दित्ती, उन्हें बूआ खोलिया। साधु कहिंदा मां बार मीह बड़ा है, तूफान बड़ा है, जितने चिर तक तूफान नहीं थमदा, मीह नहीं थमदा, तू अद अपने कदमा जिथे मैनू थां दे देंगी मैं बैठ जावा। कंब गई, पहली दफा किसी की जबान चो मां सुने है, कौन कहिंदा है, किस दे मुंह निकलता है। कंब गई, कहने लगे हां बैठो बैठो, बैठ गई ये भी सामने। साधु निगाह मारदा है, जो अमृत नाल भरिया भरिया होया उसका हिरदा सी, तो उसकी दृष्टि दे च भी अमृत सी। कईयों के बोलों दे च भी जहर आता है, उसकी तकनी दे च भी अमृत सी। और मैं अर्ज करा, जबान की अपनी भाषा है, अखां की अपनी भाषा है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। और अज ते मनोविज्ञान बड़ा तरक्की ते चला गया है। वो कहिंदे ने जबान ते भरोसा ही ना करो, अख ते भरोसा करो। कई दफा जबान हां कर दी है, अखां ना कर दी है। और कई दफा जबान ना कर रही होंदी है, अखां हां कर दी है।
कई दफा जबान तो मनुख कहिंद है तैनू मिलके बड़ी खुशी हुई, अखां कहिंदियां ने कमबख्त कित्थों टकर गया, ये कित्थों मिल गया, जरूरी काम ते जा रही सी। अज अख सार्थक होंदी जा रही है, कारण जबान झूठ बोल सकती है, अखां झूठ नहीं बोल सकती, अखां गलत बयान नहीं कर सकदियां। जो हिरदे दे भाव ने वो अख दे राही प्रगट हो ही जांदे ने। हिरदा उसका अमृत नाल भरिया होया, दृष्टि विच अमृत, इंज वेखदा है कमरे नू उस वेसवा दे, दृष्टि नाल वातावरण उस कोठे दा पवित्र होंदा जा रहा है, और सहजे सहजे दृष्टि वेसवा दे टिकी, ते वेसवा दी जबान चो निकल गया राम राम, दृष्टि टिकी। बाहर मीह थम गया, वेसवा दे हिरदे ते राम नाम दी बारिश शुरू हो गई। बाहर तूफान थम गया, पर पछतावे दा तूफान इस वेसवा दे अंदर पैदा हो गया, मैं जिंदगी अजाई गवाई, फिजूल गवाई, व्यर्थ गवाई। महापुरुष चल उठे है, कोठा छड़ के जो बाहर जांदा है, वेसवा दा कोठा मंदिर बन गया है। मंदिर विच कौन आउंदी है? देवी देवते, वेसवा देवी बन गई है। अज दा कोई साधु संत शायद देवी दे कोठे च भी चले तो शायद उन्हूं गनका ही बना के रख दे, वेसवा बना के रख दे। वो साधु वो गनका दे कोठे जांदा है, उन्हूं देवी बना देंदा है, ते गनका दा कोठा मंदिर बन जांदा है, भगवान दा मंदिर बन जांदा है। कलगीधर दे कुछ वाक मैं थोड़े सामने रखा, दसम ग्रंथ दे, अकृत कृत कारणो अनित नित होएंगे, त्याग धर्मणो त्रिया कुनार साध जोएंगे, कुनार साध जोएंगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां साधवा ते बहुत वड्डी उम्मीद है, इत इस ढंग दे आउणगे, इत अपनी दृष्टि नाल पवित्र दुनिया नूं भी मैला करणगे। पहरावे दे साधु, दिखावे दे साधु, वास्तविकता कुछ भी नहीं। तो मैं अर्ज करा, उस साधु ने एक वेसवा ने देवी बना दिता है। और पिछले दिन जब धन गुरु नानक देव जी महाराज के गुरु गुरपुरब के दास बंबई से, मैं पेपरां च पढ़ के दंग रह गया कि ईसाई मिशनरियां दे बार बार दौरा लाण नाल उस बाजार दियां अधियां वेसवावां जिहड़ियां ने क्रिश्चन बन गईयां ने, और उन्होंने इस पेशे तो तौबा कर ली है। मैं पढ़ के दंग रह गया, हैरानगी हुई। ये तो घर घर पहुंचते हैं, हिंदू के घर पहुंचते हैं, मुस्लिम के घर पहुंचते हैं, सिखां के घर पहुंचते हैं, बोधियां के घर पहुंचते हैं, यहूदियों के घर भी पहुंचने की हिम्मत करते हैं, ये भी मैं अर्ज करते हैं। और गजब की गल, इन्हों की हिम्मत बेसवावान के घर भी पहुंचते हैं, हर थां ते जाते हैं, मंदिर विच भी सुनाने की कोशिश करते हैं, मस्जिद विच भी अपना संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं देख के दंग रह गया, उत्थे तो गुरुद्वारे च भी आने लग पे ने। असी तो गुरुद्वारे च भी गल पूरी नहीं कर सके, उते अपने चर्च तो गल कढ़ के दूर दूर ले जाने लग पे ने। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो मैं करें, ये उदाय उदासी मिशनरी जो सिखी फैली, 90% उन्होंने फैलाई हुई है, उन्होंने देन है। बड़े पंडित सन, सियाने सन, अरबी फारसी संस्कृत के ज्ञाता सन, हिंदुस्तान दियां लोकल भाषावां नूं समझदे सन, और हर भाषा के समझाण की उन्हां कोल तौफीक सी, हिम्मत सी। जैसे बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु चाइना विच गए, पहले उत्थे जाके उन्होंने विचारे ने चीनी भाषा सीखी 5-6 महीने मेहनत करके, ते फिर महात्मा बुद्ध के ख्यालों को प्रचारना शुरू किया, सारा चाइना उन्होंने बुद्धिस्ट बना के रख दिता, जापान तक फैले जा,
कोरिया, लाओस, कंबोडिया, सियाम, लंका, तिब्बत, भूटान, ए बर्मा सब उन्हां दी लपेट दे चा गया। मिशनरी साडे कोल भी सन, जिस तरह बुद्धिस्ट लोगां कोल सन, जिस तरह हिंदुआं कोल सन, यासी सन, साडे कोल भी सन। बदकिस्मती संबंध टुट गया एक दुआ करके। भई एक दो उदासी ठीक नहीं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, उदासी पंथ ए बाबा श्री चंद तो चलिया, ते बाबा श्री चंद धन गुरु नानक देव जी महाराज दे वड्डे साहिबजादे। इन्होंने प्रचार की प्रथा नूं अपना के फैलाया और बड़ी दूर दूर तक। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। मैं उदास होके जिस दर की तलाश कर रहे हैं, कोई दसे, कोई मैनू दसे। जो संसार तो उदास है वही निरंकार की तलाश करेगा, जो परिवार तो उदास है वही करतार की तलाश करेगा, जो इस जीवन तो उदास है वही परम जीवन की तलाश करेगा, जो पदार्थों तो उदास है वही परमात्मा की तलाश करेगा, वरना मुश्किल है। मैं अर्ज करा उदास होने दे तीन कारण ने। समा भावे हो गया, बस एक दो मिनट। बंदा बहुत सियाणा होवे, बहुत सियाणा होवे, दार्शनिक होवे, चिंतक होवे, और उसकी सियाणप इतनी बढ़ जाए कि दुनिया छोटी हो जाए, कुछ भी नहीं, उदास हो जाएगा। ऐसा चिंतक, ऐसा दार्शनिक, ऐसा फिलोसफर उदास हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, संसार तो निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। गालिब कहिंदा है मैं उदास हो गया, ये भी उदास हो गया, सियाणा है। उदासी का एक कारण है, बाजीचा है, इतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। गुरु नानक उदास ने, क्यों? संसार की असलियत का पता चल गया। गालिब उदास है, सियाणप बहुत बढ़ गई है, दुनिया छोटी हो गई है। कहिंदा है मैं इस दुनिया नाल नहीं रह सकता, मैं नहीं जी सकता, इत्थे बच्चियां दा खेल है, ते बच्चियां नाल मैं किवें खेडां। धन गुरु अंगद देव जी महाराज देवाक नाल इयाणे दोस्ती, वड्डा रेओ सो नेओ, अपने तो वड्डा ते इयाणा। पाणी अंदर लीक ज्यो तिसदा थाओ न थेओ, पाणी विच लकीर मारो क्या रहेगी, उसे वक्त बंद हो जाती है। अपने तो छोटा दोस्ती नहीं हो सकती उस नाल, अपने तो वड्डा दोस्ती नहीं हो सकती। वड्डा रो सिउने अपने तो वड्डा, ते अपने तो इयाणा। दोस्ती समतल ते होंदी है, बराबरी दे तल ते होंदी। 80 साल का बुढ़ा एक 5 साल का बच्चा दोस्ती नहीं हो सकती, एक गल वखरी। स्नेह हो सकता है, संबंध हो सकता है, दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती दे ख्यालां दा आदान प्रदान होंदा है, ये दोस्ती नहीं है। दोस्ती लई बराबरी दा तल चाहिदा है, एक मूर्ख ते सियाणे दी दोस्ती नहीं हो सकती। वक्ती संबंध हो जाण और गल वखरी है। एक क्रोधी ते शांतमई दी दोस्ती नहीं हो सकती, संबंध हो जाण गल वखरी है। एक लोभी ते संतोखी दी दोस्ती नहीं हो सकती, एक दुराचारी ते सदाचारी दी दोस्ती नहीं हो सकती, संबंध हो जाण वक्ती ओ गल वखरी है। अंतरी रिश्ता नहीं जुड़ेगा। गहरी दोस्ती समतल ते हुंदी है, बराबरी दे तलते आती है। स्वभावक एक घटना चेते आ गई, वह भी कह दिया। दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साहब में किधर कह रहा सी, सजाती मेल होंदा है, विजाती मेल नहीं आता, समतल ते मेल होंदा है। एक सज्जन मेरे कमरे च आ गया, सहजदारी सी, कहने लग गया, जी कई दिन तो असी कथा सुनन आ रहे हैं, तुसी जो विचार कई दिन तो सुनाई, सजाती मेल होंदा है, विजाती नहीं,
समतल ते मेल होंदा है, उंज नहीं आउंदा। दोस्ती बराबरी दे तल ते होंदी है। मैनू कहण लगा कृष्ण ते सुदामे दी कोई बराबरी नहीं है। एक विचारा बिल्कुल मुफलिस, बिल्कुल मुफलिस। एक द्वारका दा राजा, एक वक्त दा अवतार, एक नू कोई भी नहीं जानदा, पर दोस्ती है, बड़ी गहरी दोस्ती है। और उस दोस्ती दी अपनी चर्चा है, लोकी प्रमाण देंदे ने, उदाहरण देंदे ने। ये समतल ते नहीं है, मेख नहीं समतल है। तुसी इस नू बाहरों देखोगे तो बाहरों समतल नहीं है। एक राजा है, एक कुल्ली च रहिंदा है, पर अंदरूनी तल ते समतल है। जिहड़ा ज्ञान कृष्ण कोल है उही ज्ञान सुदामे कोल है। कृष्ण नू साफ कहा सी उसने कि सुदामा ए कृष्ण तेरे नालों अगे ज्ञान देच, विचार देच, सूझ समझ देच। जदों पढ़दे सन पढ़ाई दे वक्त जितनी शांति उसके अंदर है उतनी शांति उसके अंदर है। वो प्रेम की मूर्ति, वह भी प्रेम की मूर्ति है। दैवी गुणा करके, रब्बी गुणा करके समतल है, बराबरी है। इस दोस्ती की बुनियाद बाहर नहीं है, अंदर है। गहरी दोस्ती है। बाहर दो धनवाना की दोस्ती, उस दोस्ती की आधारशिला अंतरीव है। मैं कह समतल है। मैनू कहन लगे असी इस ढंग नाल नहीं सोचे। असी मैं कह इस ढंग नाल सोचना, इस ढंग नाल सोचना नाल ही आने दोस्ती। अपने तो छोटे नाल वाकई दोस्ती नहीं हो सकती। एक मूड है, एक सियाना है, किस तरह दोस्ती होवेगी? एक क्रोधी, एक शांतमई है, किस तरह दोस्ती होवेगी? दोस्ती समतल ते आउंदी है। गालिब कहिंदे ने यह दुनिया बहुत छोटी हो गई है, कुछ भी नहीं, बच्चियां दा खेड, मैं इन्हां छोटे खिडौणियां नाल नहीं खेड सकता। सियाणा बंदा उदास हो जाएगा। सतसंगी जिन्हों गुरु का शब्द चोट कर गया है उदास हो जाएगा। कोई चोट लग गई है संसार तो बहुत गहरी, उदास हो जाएगा। दिवालिया हो गया है, कोई अजीज अकारब संबंधी चलाना कर गया है, इज्जत सारी बेस्ती विच बदल गई है, चोट खा गया है, उदास हो जाएगा। और उदास होया मनुख, निराश होया मनुख इस जीवन नाल राजी नहीं होगा जोड़ा उसके कोल है। यह मैं अर्ज कर दें। और उदास होने निराशा चाहिए, तो निराश होने कोई चोट तो चाहिए, या सत्संग शब्द चोट करे, या अपनी सियाणप हिरदे से चोट करे, या कोई बारों चोट लग जाए, दिवालिया हो गया, कोई अजीज संक अकारब संबंधी जो प्राणा तो भी प्यारा सी चलाना कर गया, इज्जत किधरे बेइज्जती दे बदल गई है, चोट खा गया है, उदास तो हो जाएगा। एक कारण है ये उदासी अगां चल के तीन धारावां विच बहिंदी है। और इसनू मैं निखोड़न की कोशिश कल करांगा, क्योंकि समा हो गया। तुसी इन पंक्तियां नू चेते रखना। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। एक मिनट आप जी का होर लवान। बाबर मुगल सम्राट कहिंदा है उदास होने की कोई लोड़ नहीं, दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ा रस है, बड़ा स्वाद है, बड़ा धन ते जोगन है, बड़ी मस्ती है, उदास होने की लोड़ है? रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त, नित नवी ऐश कर, दुनिया बड़ी रंगीन है, उदास होने की की लोड़ है? ये पहला मुगल सम्राट है। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, पता की कहता है? लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में उदास। रंगून दी जेल विच बंद है, अंग्रेजा ने राजपाट खोले, कह दिए
और बीमार भी है। दरखास्त भी इसने दिती अंग्रेजानों भी मैं मरण दे दहाने ते हां, मैंने दिल्ली ले चलो, कम से कम तख्त ते मेरा दिल्ली च नहीं रहा, मेरी कबर ते दिल्ली च बने, मैं ले चलो। नहीं मन्ने वो, हुण जो कुछ कहिंदा है उदास है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पाएदार में। इस झूठी दुनिया विच किस दे पक्के महल बने ने, किस दे बने ने, सब दे ढेर ढेरी होए ने। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरज़ू में कट गई दो इंतजार में। कहिंदा बड़ी लंबी उम्र लेके आया सी खुदा तो मैं चार दिन दी, दो दिन ते लंघ गए कामनावां कर दे इच्छावां कर दे, ते दो दिन लंघ गए, अज इच्छा पूरी होवेगी कल इच्छा पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी कल पूरी होगी, लंघ गई जिंदगी, जीवन लंघ गया। उम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरज़ू में कट गई दो इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी न मिली कुए यार में। कहते दो गज जमीन भी मेरी कबर ली नहीं है दिल्ली दे। उदास निराश बाबर उदास नहीं है, कहता नहीं दुनिया बड़ी रंगीन है। बाबर मोटे दिमाग का है, अजे इस ठोकर नहीं लगी, अजे इस चोट नहीं लगी, जिस तरह बहादुर शाह लगी है चोट, जे किधरे लगती तो उदास हो जाना। या सियाणा आंदा जनक की तरह, तो भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी, सब कुछ दे होंदे उदास है। सियाणा नहीं सी इतना, ते चोट भी अजे नहीं लगी, ते सत्संगी भी नहीं कोई खुदा दी गल चोट करे। इत्थे जिस दे ते कीर्तन दी चोट हो गई, गुरु नानक दी बाणी दी चोट हो गई, शब्द दी चोट हो गई, सवाल ही नहीं पैदा होंदा कि उदासी ना हो जाए। और जैसे उदास बिरति अंदरों पैदा होवेगी, सन्यास घटित होवेगा। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। कल बाकी खुलासा करांगे, बोल चुक दी। ज्ञान दासा दे ज्ञान।